हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन फर्स्ट। क्वेश्चन सी द चोक कॉइल इज इन सीरीज विद लैम्प इज कनेक्टेड टू डीसी लाइन। द लैम्प इज सीन टू शाइन ब्राइटली। इंसर्शन ऑफ आयरन कोर इन द चोक कॉजेज नो चेंज इन लैम्प्स ब्राइटनेस। प्रेडिक्ट द करस्पॉन्डिंग ऑब्जर्वेशन इफ कनेक्शन इज टू एन ए सी लाइन। सो सबसे पहले आपको समझना होगा की कंसेप्ट क्या यूज हो रहा है। सो की कंसेप्ट इज स्ट्रेंड्स आर एल सीरीज सर्किट। देखो बच्चों, चोक कॉइल क्या होता है आपका, एक इंडक्टर होता है, राइट। तो चोक कॉइल में क्या होगा आपका, इंडक्टर होगा। और बच्चों आपका जो बल्ब है वो एज अ रजिस्टर काम करेगा। तो ये एक आर एल आपका सीरीज सर्किट है बच्चों, कुछ ऐसा होगा। ये एल मान लो बच्चों, ये क्या मान लो आप, आर मान लो। तो ये आर एल सीरीज सर्किट है। अब पहले केस में क्या बच्चों हुआ है, इसको आपने डीसी से कनेक्ट किया। तो डीसी की फ्रीक्वेंसी क्या होती है बच्चों, ज़ीरो होती है। तो जो जेड होता है वास्तव में, अगर मैं ठीक है एसी के लिए लिखूँ, तो क्या होता है एक्सएल का स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। और एक्सएल क्या होता है, टू पाई एफ एल या ओमेगा एल। सो ओमेगा एल का होल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, राइट। क्योंकि डीसी की फ्रीक्वेंसी ज़ीरो है तो इसलिए ये टर्म बच्चों ज़ीरो होगा। तो जेड क्या होगा डीसी के लिए, आर के बराबर आ जाएगा। अब बच्चों जब आप ठीक है उसमें आयरन कोर इंसर्ट करते हो तो एल बढ़ता है, एल बढ़ता है तो बच्चों आपका ओमेगा एल बढ़ेगा। बट यहाँ पर अगर डीसी के लिए देखो तो ओमेगा तो ज़ीरो है, तो एल बढ़ने से आपका एक्सएल पर कोई असर नहीं पड़ेगा, तो इसीलिए आपका ब्राइटनेस अनचेंज रहती है। बट अगर आप एसी के लिए देखो तो एसी के लिए ओमेगा एसी डस नॉट इक्वल टू ज़ीरो। सो उन अगर उस केस में देखो तो आपका बच्चों जेड क्या होगा, अगर एल बढ़ाओगे तो जेड बच्चों क्या होगा, बढ़ेगा। और करंट क्या होता है, आई इक्वल टू वी बाई जेड। जेड बढ़ेगा बच्चों तो करंट क्या होगा, कम होगा। और पावर लॉस क्या होता है बल्कि क्रॉस आई स्क्वायर आर, आर तो फिक्स है। अगर आई कम होगा तो पावर लॉस कम होगा, तो मतलब ब्राइटनेस क्या होगी बल्ब की, वो कम होगी बच्चों, ब्राइटनेस विल डिक्रीज। सो दिस विल बी द आंसर। सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।